हाय एवरीवन, आइए समझते हैं फास्फोरस चक्र को कैसे हम वर्णन कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं संक्षिप्त में। ठीक है, तो जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम आदि को अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। फॉस्फोरस को अपशादी चक्र यानी इम्परफेक्ट साइकिल कहा जाता है क्योंकि यह स्थानीय कारकों को बिगड़ जाते हैं। फॉस्फोरस चक्र की कुछ विशेषताएं, तो फॉस्फोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि यह ऊर्जा संचित करने वाले यौगिकों एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिकीय कलाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। जंतुओं के दांत तथा अस्थि निर्माण में भी फॉस्फोरस का उपयोग होता है। फॉस्फोरस चक्र निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला, फॉस्फोरस के मुख्य स्रोत चट्टानों में जमे फॉस्फेट खनिजों, फॉस्फेट तथा अस्थियाँ हैं। दूसरा, जल तथा हवा द्वारा चट्टानों का विघटन होता है और इसमें उपस्थित फॉस्फोरस जल के साथ बहकर मृदा में पहुँच जाते हैं जहाँ जल में घुले रहते हैं। ठीक है, तीसरा, मिट्टी की मृदा से जल में घुले हुए फॉस्फोरस के पौधे उपापचयी क्रियाओं के लिए अपने उपयोग में ले लेते हैं। यह फॉस्फोरस पौधे से जीवी जंतुओं में भोजन के रूप में पहुंचता है। चौथा, फॉस्फोरस की काफ़ी मात्रा नदियों, झरनों या जल धाराओं द्वारा समुद्र में पहुंच जाती है। पाँचवा, समुद्री में उपस्थित फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। समुद्री जंतु कार्बनिक फॉस्फेट को भोजन के रूप में प्रयोग ग्रहण करते हैं तथा अकार्बनिक फॉस्फेट को जल से। सातवां क्या है जी? सातवां है, वे फॉस्फेट जो जंतुओं के अंगों का निर्माण करते हैं वे प्राकृतिक फॉस्फोरस चक्र से एक उस समय तक बाहर रहते हैं जब तक कि मृत्यु ना हो जाए और अपघटकों द्वारा उनके शरीर में फॉस्फोरस वातावरण में ना छोड़ा जाए। ठीक है, आठवां क्या है जी? सभी जंतु अपच भोजन का बाह्य क्षेपण सदैव करते हैं। इनके मल का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन कर दिया जाता है और फॉस्फोरस को वायुमंडल तथा जलमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नौवां, समुद्री चिड़िया जैसे पेंगुइन समुद्री किनारे पर ग्वेनो जमा करती है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस प्रकार फॉस्फोरस की बहुत मात्रा वातावरण में मिल जाती है। जब कभी लोहा, तांबा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से संयुक्त होकर फॉस्फोरस यौगिक बनाते हैं तब इन्हें पौधे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं और इस प्रकार से चक्र के बाहर ही रहते हैं। इस प्रकार जंतुओं के दांत तथा अस्थियों का बैक्टीरिया द्वारा विघटन नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें उपस्थित इनमें उपस्थित फॉस्फोरस भी चक्र के बाहर रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।